A mass 2 kg is suspended as shown in figure. The system is in equilibrium in vertical plane. Assume pulleys to be massless. The force constant of spring is 100 newtons per meter. If the extension in the spring is given by x upon 10 meters, find the value of x. ठीक है, तो यहाँ पर अगर extension की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 kg ब्लॉक है, ये नीचे की तरफ मूव करेगा और मान लेते हैं ये जो नीचे मूव किया, ठीक है, ये तुम्हारा नीचे ऐसे मूव करेगा जिसके वजह से ये पुली नीचे मूव करेगा, ठीक है, और ये पुली जब नीचे मूव करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपने साथ स्ट्रिंग खींचेगा, ये अपने साथ स्ट्रिंग खींचेगा जिसके वजह से ये पुली मूव करके नीचे आएगा और यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन हो जाएगा स्प्रिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर टेंशन फोर्सेस अगर बना करके देखें, ठीक है, टेंशन फोर्सेस अगर बना करके देखें तो ये जो एक्सट्रीम राइट में जो पुली है इस पे तुम्हारा आ गया तुम्हारा टी टेंशन, और यहाँ पर जो है ये 2 kg ब्लॉक है और ये तुम्हारा रिजिड सपोर्ट के साथ ऐसे करके ये बंधा पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्ट्रिंग में जो है यहाँ पे तुम्हारा टी टेंशन अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद फिर तुम्हारा ये जो तुम्हारा इस पुली के साथ अटैच्ड है, ठीक है, इस पुली के साथ अटैच्ड है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ टी और टी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2T टेंशन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स जो है, तो इसमें स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन तुम्हारा 4T लगेगा, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन स्प्रिंग, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन स्प्रिंग FR जो है दैट इज इक्वल टू 4T, ठीक है। तो बेसिकली जो भी तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू KX है एंड दैट इज इक्वल टू 4T, ठीक है। अब हमें क्या है, यहाँ पे टेंशन फोर्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, क्योंकि ये देखो स्ट्रेच हो करके एक डेफिनेट पॉइंट तक स्ट्रेच हो करके उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये सिस्टम रेस्ट पे आ जाएगा। तो जैसे ही रेस्ट पे आ जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे की तरफ 20 न्यूटन फोर्स काम कर रहा है, इसका वेट तो हम लिख सकते हैं दैट टी इज इक्वल टू 20 न्यूटन, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन जो कि थोड़ी देर बाद आ ही जाएगा। तो टी का वैल्यू 20 न्यूटन अगर सब्सटीट्यूट करें तो क्या हो जाएगा, के एक्स इज इक्वल टू 4 × 20, ये तुम्हारा हो गया 80। तो x कैन बी रिटन एज 80 अपॉन k, और k का वैल्यू तुम्हारा क्या है 100 न्यूटन्स पर मीटर, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 80 अपॉन 100, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया तुम्हारा 8 अपॉन 10, मतलब ये तुम्हारा क्या है एक्सटेंशन है, ठीक है, ये तुम्हारा एक्सटेंशन है, दिस मच इज द एक्सटेंशन, ठीक है। क्वेश्चन में तुम्हारा क्या बोला गया था कि तुम्हारा x अपॉन 10 के फॉर्म में, तो हम देख सकते हैं कि रेशियो रेशियो कंपेयर करें तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में 10 10 जो है वो तुम्हारा गया। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन प्रॉब्लम।